सही सवाल का होना भी सही रिजल्ट लेकर आता है। दोस्तों मेरा नाम संजय परमार है, क्राउन एक्ट इन्वेस्टीज, और पिछले 3 साल से इस बिजनेस को डेवलप कर रहा हूँ। और आज मैं एक थीम पर काम करने वाला हूँ आपके साथ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सही सवाल करने से आपकी ज्वाइनिंग पक्की होती है, राइट। तो मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा यहाँ पर, और उसके जरिए आप किसी भी व्यक्ति को अपने बिजनेस के अंदर ला सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ साथियों, आप भी इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आकर कि साहब हमसे तो कोई ज्वाइनिंग नहीं कर रहा है। उसका एक कारण भी है, ज्वाइनिंग ना होना एक बहुत बड़ा रीजन होता है। क्या कारण होता है? सही मार्केटिंग प्लान की नॉलेज का ना होना, प्रोडक्ट की नॉलेज का ना होना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की नॉलेज का ना होना। और एक सही बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि दोस्त सही सवाल का ना होना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने जो कहा है कि मार्केटिंग प्लान की नॉलेज, प्रोडक्ट की नॉलेज, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की नॉलेज, लोगों को बात करने की नॉलेज, ये तो बात सही है, लेकिन आपने जो सही कहा बाद में एक कि सही सवाल का ना होना, इसका मतलब क्या है? सही सवाल का होना मतलब ये है कि अगला व्यक्ति आपके साथ स्वयं ही आकर आपको कहे कि सर मैं अभी ये बिजनेस करना चाहता हूँ। यानी कि अगर वहां पर आप सही सवाल करते हैं तो। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि सेल्स क्लोज कैसे होती है। सेल्स क्लोज होती है आपकी बातों के द्वारा। जी हाँ, जब आप सही बात करेंगे और वहां पर सही पॉइंट आप पकड़ेंगे, उसकी नीड को पहचानेंगे, तो अगला व्यक्ति जब उसको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है तब वो आपके साथ सहमति जताता है कि सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। दोस्तों किसी भी व्यक्ति से बात करने से पहले आपको एक फैमिलियर एटमॉस्फेयर वहां पर क्रिएट करना होता है, यानी कि एक दोस्ताना माहौल भी क्रिएट करना होता है, और कुछ फैमिलियर बातें आपको करनी होती हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट तक करनी होती हैं, कैसे हैं, किस तरीके से काम चल रहा है, वहाँ पर एक छोटी सी नीड आप पहचानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप उसके सामने अपना सवाल प्रस्तुत करें तो आपको सबसे पहले एक सवाल करना है जो एक मैजिक वर्ड है, जो एक मैजिक क्वेश्चन है इस बिजनेस के अंदर। क्या पूछना है? सर एक बात बताइए कि लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अभी? उसका जवाब आएगा हाँ कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर आज के समय पर जो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं वो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, जो हाउसवाइफ है वो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं, जो जॉब पर्सन है वो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, जो रिटायर्ड पर्सन है वो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है। मेरा सवाल सिर्फ एक है सर आपसे कि ये बिजनेस क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एक ही जवाब आता है सर कि एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए। अब यहां पर आपका एक और उसके साथ क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सर अगर मैं आपको एक ऑप्शन दूं ऑनलाइन बिजनेस करने का, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस तरह का ऑप्शन लेना चाहेंगे अपने लिए? तो उसके पास एक जवाब आएगा, या तो ये हो सकता है कि वो कहे कि सर मुझे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, या फिर अगर उसको पता है तो वो आपके साथ जिक्र कर सकता है। लेकिन अगर उसको पता नहीं है तो आपने तुरंत वहां पर अपना जवाब ये देना है कि अगर मैं आपकी मदद करूं एक ऑप्शन बताने में जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, तो आप क्या उस पर काम करना पसंद करेंगे? तो अगला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है आज के समय पर जो एक पारिवारिक व्यक्ति है, वो पैसा जरूर कमाना चाहता है और आसानी से कमाना चाहता है, तो उस समय आप अपना प्लेटफॉर्म के बारे में उसे जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार हो चुका है आपके बिजनेस को और आपके बिजनेस प्लान को। तो वहां पर आप जब अपना बिजनेस प्लान बताएं तो उसको तरीके से बताएं, स्टेप बाय स्टेप बताएं, ना कि उसको जल्दबाजी से बताएं। बैठिए आराम से, कागज पेन वगैरह जो भी आपके पास है, आपका पैड है आपका पास, तो आप उसको सामने रखिए और अपने हाथ से पूरा का पूरा लिख करके उसके सामने बताना है। अब इसमें बताने वाली बात क्या है? देखिए दोस्त, जब भी आप कोई प्लान बताते हैं, क्योंकि शुरुआत ऑलरेडी आप कर चुके हैं उसके साथ, तो वहां पर आपको अधूरा ज्ञान नहीं देना है। अगर आपने अधूरा ज्ञान दिया तब भी आपकी सेल्स क्लोज नहीं होगी। तो वहां पर आपको क्या बताना है? शुरू में आप अपनी कंपनी की प्रोफाइल उसको बता दीजिए, मैनेजमेंट के बारे में बता दीजिए, आपके जो मेंटर्स है उसके बारे में बता दीजिए, प्रोडक्ट की थोड़ी सी नॉलेज दे दीजिए, क्या बेनिफिट है एंड बिजनेस को करने से क्या बेनिफिट मिलते हैं, साथ ही साथ अपना प्लान उसको बता दीजिए कि हम किस तरीके से आने वाले 3-4 महीने इस पर काम करेंगे। यानी कि एक पूरा का पूरा रोड मैप, एक पूरा का पूरा ब्लू प्रिंट आप उसे दे सकते हैं। आपको शुरुआत यह करनी है कि सर लोग ऑनलाइन बिजनेस क्यों करते हैं, बस इसी से आपकी बात शुरू हो जाएगी उस व्यक्ति के साथ, और उसकी नीड आपको पता चलती है, और उस नीड को पहचान करके आप उसे एक इमोशनली अटैचमेंट भी दे सकते हैं अपने बिजनेस का, कि सर यहां से आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलती है। उदाहरण दे सकते हैं, टेस्टिमनी बता सकते हैं, आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, आप टूल्स दिखा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का आप डेमो दिखा सकते हैं, और आप आराम से एक सेल्स क्लोज कर सकते हैं। दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज हर जगह निकलता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस का वर्क है और ये लगातार काम करने का वर्क है।
तो मैं बस आपसे इतना कहूंगा कि लगातार कंटिन्यूसली आप इस वर्क को कंसिस्टेंट तरीके से करते रहिए, एक दिन आप सफल जरूर होंगे। और सफलता हमेशा निरंतरता के अंदर आती है। कहते हैं कि जहां पर हरकत होती है वहां पर बरकत होती है, तो यदि आप हरकत करते रहे तो आपको बरकत जरूर मिलेगी और आप इस बिजनेस के अंदर सफल जरूर होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। लगे रहिए, स्टे ट्यून्ड टू विद अस ऑन अवर यूट्यूब चैनल संजय परमार। थैंक यू सो मच।